आरक्षी अधीक्षक राकेश कुमार द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रघुनाथपुर में हुए गोलीबारी की घटना पर विशेष रूप पर जानकारी दी गई। उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर कर दिया गया कि अपराधी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। राकेश कुमार द्वारा बताया गया कि ब्रह्मपुर थाना के रघुनाथपुर पेट्रोल टंकी पर हुए गोलीकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। इसके साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि 14 अगस्त 2018 को रघुनाथपुर पेट्रोल पंप के मालिक गौरव उपाध्याय से पेट्रोल लेने के लेकर पिंटू यादव का विवाद हुआ था, जिसके पश्चात 15 अगस्त को पिंटू यादव, नवीन पासवान एवं अन्य दो के साथ मिलकर पेट्रोल टंकी के मालिक गौरव उपाध्याय को पीटने की योजना बनाई गई। जैसे ही पेट्रोल टंकी के मालिक गौरव उपाध्याय जैसे ही पीएचसी गेट पर रघुनाथपुर पहुंचे, अपराध कर्मी ने घेर कर और उनसे मारपीट करने में जुट गए और इसी दौरान भीड़ को देखते हुए अपराधियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें एक गोली गौरव उपाध्याय के पैर में लग गया। इस दौरान गांव वालों ने नौमी पासवान नामक एक अपराधी को घेर कर पकड़ लिया। इसके पश्चात उन्हीं के निशानदेही पर अन्य सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी द्वारा बताया गया कि बक्सर जिला प्रशासन किसी भी आपराधिक घटना पर तत्परता से कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के दिन बक्सर जिला में आपराधिक ने एक पशु व्यवसायी की हत्या समेत दो लोगों को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। एक ही दिन में तीन घटनाओं से पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। हालांकि अभी भी पशु व्यवसायी हत्या का उद्भेदन नहीं हो सका है। उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जल्द ही उनका भी उद्भेदन हो कर लिया जाएगा। राहुल कुमार टीयर भोजपुर का रहने वाला है। ये 15 अगस्त की दोपहर को रामपुर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप व्यवसायी है, वहाँ पर इनका कुछ विवाद था पैसे को लेन देन पर, उसी को लेकर ये फिर से दहशत फैलाने के उद्देश्य आए थे, परंतु वहाँ पर उपस्थित लोगों द्वारा इनको जीप द्वारा घेर लिया गया था और कटाई हुई थी। पुलिस ने चार गिरफ्तार किया, उसी क्रम में उसको इलाज कराया गया। फिर उसके बाद उनकी निशानदेही पर पूछ में स्टेबल हुए तो बताया गया, उसकी पहचान हुई नौमी पासवान, जो कि अज्ञात अपराध कर्मी है। थाना जिले में एवं रेल में अलग अलग इसमें ऊपर 8 केसेस दर्ज हैं, जिसमें मुख्यतः रेल डकैती, लूट और मर्डर केसेस भी हैं। पुलिस को क्या बरामद हुआ है इनके पास से सर? हाँ, इसके पास इसके बरामद निशानदेही पर एक 9mm का कंटेनमेंट पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। अच्छी तरीके से सफाई वाले वेपन है इसके पास और इसी हथियार से इसने कई सारे घटनाओं को अंजाम दिया है। तो इसके अपराध इसकी गिरफ्तारी हुई और इसके ऊपर और भी फर्दर कुछ अगर क्राइम वगैरह है तो हम उसे पुलिस संपर्क में है और इसके अगर कोई एक्टिव केस है तो हम उसमें डिमांड करेंगे। बाकी अपराधी सर? बाकी अपराधी और भी थे इसके साथ, पिंटू यादव रेट था और दो अज्ञात हैं, उसको भी पहचान के लिए हम लोग सत्यापन के लिए अभी प्रयासरत हैं और जैसे भी उनकी पहचान होगी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। के साथ ही थे तुम भी? जी। तो कौन गोली मारा है? पता नहीं, उसमें 4-5 आदमी था सर। तो तुम तो तीर वो लोग कहाँ के थे? तीर के था। तो पता तो है, नाम तो पता होगा? हाँ, पिंटू यादव था। बंटू यादव? पिंटू यादव। पिंटू यादव कहाँ का है? तीर का। तीर का है। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल कुमार। राहुल,